फोराजन सीड कंपनी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम गांव मुंडी खेड़ी में रामपुर मनियारन के पास पड़ता है गांव, उसमें आए हैं। इस हमारे किसान भाई राजेंद्र जी, इन्होंने हमारा चिकलेट चारा लगाया हुआ है। तो राजेंद्र जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम राजेंद्र कुमार, गाँव मुंडी खेड़ी। आपका नंबर? मेरा नंबर है 97-20-83-52-50। अच्छा, तो राजेंद्र जी, जैसा आपने ये चिकलेट चारा, कैसे आपने इसकी बिजाई की थी सर्वप्रथम? सर्वप्रथम हमने इसकी बिजाई सितंबर के महीने में की थी। पानी में जैसे हम बरसीन वगैरह की बिजाई करते सेम उसी तरह इसकी बिजाई की थी और बड़ा जल्दी तैयार हुआ। तो से कितने टाइम में आ गया? 30-35 दिन के लगभग ये तैयार हुआ। 35 दिन में आपने इसकी एक कटिंग कर ली? एक कटिंग हमें स्टार्ट कर दी थी इसकी। और देखो कितना बढ़िया चल रहा है, पशु भी बड़ा अच्छा खा रहे हैं और उसमें प्रोटीन वगैरह काफी मात्रा में है। आपके पशु इसे खा रहे हैं तो चाव से खा रहे हैं? बड़े अच्छे चाव से खा रहे हैं और इसमें दूध की भी मात्रा है। जैसे मतलब आप पशु खिला रहे तो दूध बढ़ रहा है पशु का? जी हाँ जी, दूध बढ़ रहा है बहुत अच्छा। तो मतलब कटाई में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, सब बड़ा अच्छा है और इसकी रीग्रोथ भी बड़ी अच्छी है। अच्छा, तो आपने कितना डाला था बीघे में? ये हमें बीघे में 200 ग्राम डाला था। 200 ग्राम बीघा कितना लगा हुआ है बीज आपने? ये 2 बीघे लगा हुआ है। हमारे किसान भाई ने ये बीज 2 बीघे में लगा रखा है, चिकलेट चारा जो हमारा 25 कटाई तक देता है ये, और चिकलेट इसका नाम है। और अगर हम इसकी बात करेंगे इसके टिल्लिंग की, तो लगभग एक पेड़ से लगभग 18 से 20 पेड़ की इसकी टिल्लिंग है। अभी देख सकते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो कम से कम 20 पेड़ की टिल्लिंग है राजेंद्र जी। तो हमारे किसान भाई से आप क्या संदेश देना चाहेंगे चिकलेट चारे के बारे में? हमारे किसान भाई जो किसान भाई से जरूर लगाएं, ये लंबे समय तक चलता है, सुंडी वगैरह कीटनाशक का। जैसे आपने पिछले वर्ष लगाया था तो कैसा रहा था? बड़ा अच्छा रहा था। कितनी कटिंग ली थी आपने? लगभग 18-20 कटिंग ली थी हमें इसकी। 18-20 कटिंग ली थी। तो हमारे किसान भाई का कहना कि हम इन्होंने पिछली बार भी चिकलेट चारा लगाया था तो इन्होंने कम से कम 20 कटिंग ली थी इसकी, और इस बार भी इन्होंने पिछली बार आधा बीघा लगाया था, इस बार इन्होंने 2 बीघा लगा रखा है। तो सभी किसान भाइयों से मैं यही अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हमारा चिकलेट चारा लगाएं और अधिक लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।